ए भैया दे दे भैया चट्टी लाए नहीं पैसा भैया दे दे। ये सामने भव्य हनुमान मंदिर देखेंगे, फोटोग्राफी अलाउड होगी तब फोटोग्राफी कर पाएंगे। सामने मंदिर ये देखो, एक और स्कैमर यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा चलती भी मिल जाएगी। नहीं नहीं अभी नहीं, यार हम ऑलरेडी गाड़ी लेकर गए अपनी, कोई नहीं कोई नहीं, हमारे पास ऑलरेडी गाइड है, ये रहा गाइड। हम घूम लेंगे यार, आइए घुमा देंगे। एक ही दफा बच्चा मतलब एक ही रात से पता नहीं कहा गिर जा गई, कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। एक एरा मोटे पास नहीं एक ही रहा बंदर के डर से चुपा रखा था, देखा ना लेके नहीं गया पता, थोड़े ने एक मिठाई का डब्बा गिरा दिया पीपा ने ए हाला बचा हट गया भाई। अपनी साइड से और नहीं है, नहीं मैंने देख के लगा था ना फोटो। तो हमने परमिशन ले लिया और उन्होंने कहा दूर से आप फोटो ले सकते हो। ये मेन हनुमान गढ़ी, ये मैंने छू दिया, अब ले जाओ खोलेंगे खोलेंगे धीरे ऐसे दूर खोलेंगे कुछ और हनुमान जी जो सारे राम ये हनुमान जी है, इसलिए हनुमान जी के पीछे राम दरबार तो आज मॉर्निंग में आ गए थे इसलिए थोड़ा जल्दी हो गई है काम, चढ़ गया है परिक्रमा मारी जाए। टाइम कोरोना के टाइम पर एक घंटियां बंद कर रखी है, बट इतनी बड़ी बड़ी घंटियां थी तो बजाई जाती थी। ये पूरा मंदिर और चलो परिक्रमा कर लेते हैं, मंदिर की परिक्रमा कर लेते हैं। तो मंदिर का पूरा कितने चक्कर काटने होते हैं, तीन दो या तीन चक्कर काटने होते हैं, उसको बोलते हैं परिक्रमा। अपनी श्रद्धा है वैसे तो, हाँ वैसे तो अपनी श्रद्धा है, क्या है अपनी श्रद्धा है, अच्छा तीन पाँच सात जो करना मतलब। और यहाँ पर भजन चल रहा है, कौन बंद होने वाला है पहला उसका तो। चल चल ये हमारा गाइड है आज के लिए, एक मिनट रुक एक मिनट रुक, वो आ रहे हैं अंदर उनको
तो ये बच्चा आया, मैंने इसने बोला आपको गाइड की जरूरत है। मैंने कहा यार इतना छोटा बच्चा गाइड करता तू? हाँ हाँ, एक मिनट रुक जा, है ना, मैंने जूते पहन लिए। तो एक गाइड मिला है हमें, भाई ने कहा 20 रुपये लूंगा और आपको पूरा घुमाऊंगा। तो मैंने भाई को कहा कोई नहीं, तो 20 रुपये रख ले, हमें मत घुमा, हम खुद घूम लेंगे। लेकिन देखो बच्चा है, और हम अंदर मंदिर में गए और इतनी देर मंदिर में होकर के आए, लेकिन अभी तक हमारा वेट कर रहा था यहाँ पर। कह रहा नहीं भैया आपने पैसे तो दे दिया, मैं आपको घुमाऊंगा। तो ऐसे लोगों की आप हेल्प कर सकते हो। तो मांगने वाले जो है उनकी आप हेल्प ना करो। रुक जा भाई, धीरे से ले, थोड़ा अपनी फास्ट चल रहा है। नहीं उसके चक्कर में नहीं, वो उसने कह रहा है पैसे तो ले लिया घुमा। मैंने कहा छोड़ हमें नहीं घूमना, कह रहा यहाँ पर जरूरी है नहीं है। ये दशरथ महल है अपना, अंदर से बड़ा है। हाँ सामने से तो वो टीवी में तो कुछ भी दिखा सकते हैं। इतनी पुरानी बिल्डिंग आप देख सकते हो अभी तक है। पहले भी डिजाइन वगैरह हुआ करती थी। कहाँ पर? पहले सीमेंट की फैसिलिटी नहीं थी ना। बहुत सारे बंदर हैं इसलिए बच के रहना, वो देखो कूद रहा है ऊपर से। बोलो ये चीजें क्या क्या नहीं जाएगा अंदर? अंदर में पेन, मोबाइल, घड़ी, कैमरा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, गुटखा, तम्बाकू, कुछ भी नहीं जाएगा। अच्छा। हाँ, चप्पल जूते पहन के जाएंगे, आपका इच्छा तो पहन के जाइए, आपका इच्छा तो बाहर खोल दीजिए। अच्छा, बाकी चोरी तो नहीं होते जूते? जूते चप्पल चोरी तो नहीं होते यहाँ? कुछ नहीं होता, चोरी कैसे हो जाएगा? नहीं मतलब मंदिर में होता ना कि बाहर से पहन करके चले गए, ऐसे हो जाएगा मंदिर में चोरी मारा। तो यही है सब कुछ, मतलब कि देख सकते हो भाई ने बोला चोरी वोरी नहीं होंगे। ये सामने क्या है? अमावा मंदिर। कौन सा मंदिर? अमावा मंदिर। अमावा मंदिर मोबाइल अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ पर ही हमें अपने लॉकर में रखना पड़ेगा। तो हम लॉकर लेकर के मोबाइल यहीं छोड़ के जा रहे हैं, और फिर उसके बाद आपको आगे का ब्लॉग दिखाएंगे। हो सकता है मैं अंदर राम मंदिर ना दिखा पाऊँ आपको, क्योंकि वहाँ पर मोबाइल अलाउड नहीं है और वीडियो अलाउड नहीं है। तो ये माँ का दरबार है, इधर देख सकते हो। भगवान बैठे हैं। चलो बंद हो जाएगा, चलो अब चल रहे हैं राम दरबार पर, फिर देखेंगे सीता जी की रसोई। मैं आपको अंदर राम मंदिर के दर्शन नहीं करा पाया क्योंकि वहाँ पर फ़ोन फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए फ़ोन बाहर ही रखवा दिए थे। बट कोई नहीं, अब लाइव आकर के करेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा। ऐसे में क्या ही मज़ा आएगा, जितना हो सकता है मैं उतना शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। हम आ गए कनक भवन। इतना चलने के बाद भूख लगी थी जोर से, तो हम कुछ खाने के लिए आए हैं सारे के सारे। ड्राइवर भैया भी हैं पीछे, तो सब खाएंगे और फिर उसके बाद एक और मंदिर था यहाँ पर, कौन सा था सर जी? वो वाल्मीकि भवन। वाल्मीकि भवन जाएंगे, और जो पहले इधर सीता रसोई होती थी वो अब नहीं है इधर, जन्मभूमि अंदर था और वो अब नहीं है। तो जब मंदिर बनेगा तब वो आएगी। और एक चीज़ और, एक स्कैम हो रहा था हमारे साथ जो कि बच गए, जो हमने दिमाग लगा लिया। तो स्कैम ये था, 20 रुपये में हमें गाइड मिला कि हम 20 रुपये में पूरा घुमा देंगे। मैंने उसे मना करा, मैंने उसे 20 रुपये दिए, मैंने कहा तू खुद ले जा, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे खुद घूम लेंगे। तो हमारे पीछे पड़ गया, नहीं नहीं मैं ही घुमाऊंगा, मेरे को पैसे मिल के मैं ही घुमाऊंगा। हमने कहा चल ठीक है। तो घुमाते घुमाते वो ऐसे मंदिर में ले गया जहाँ पर आपको
मतलब अगर 20 रुपये में कोई गाइड मिले पहली बात तो लो मत, वो आपको ले जाएंगे अंदर मंदिर में, फिर संकल्प दिलवाएंगे कि ये शिला है, अगर आप ये चढ़ाओगे शिला पूजन का है, है ना, ये पत्थर चढ़ाओगे तो आपको सोने का मंदिर आपने भेंट कर दिया, 1100 रुपये की है, 1200 रुपये की है, उनके यहाँ पे पानी देंगे, संकल्प करवाएंगे, जल्दी जल्दी बोलते बोलते आप खुद ही संकल्प ले लोगे। अब एक बार आपने संकल्प ले लिया तो यहाँ पर फिर उसके बाद आप बदल नहीं सकते। तो हमने पहले ही थोड़ा दिमाग लगा लिया, तो उसने जब संकल्प के लिए बोला हम समझ गए क्या चल रहा है, तो हम उसी पे रुक गए। तो मतलब ऐसे स्कैम आपके साथ भी हो सकता है। हमने जो हमारा गाइड था उसको भगा दिया, हमने कहा भग जा भाई, हमें नहीं चाहिए तेरे जैसा गाइड, निकल हम खुद घूम लेंगे। जबरदस्ती वाला सौदा है, 20 रुपये ले रहा है वो 2-3 घंटे वेस्ट करने के। तो कुछ ना कुछ तो सीन हो गई, कुछ ना कुछ स्कैम तो हो गई। हमने तो ऐसे कहा चल कोई बात नहीं, किसी की हेल्प हो जाएगी, बच्चा है, बाद में बच्चे ने किसी बड़े के हाथ में दे दिया, फिर उसके बाद वो बड़ा तो हमें घुमाने की कोशिश कर रहा था। टीवी पे आती थी ना, किसी भी अयोध्या में डायरेक्ट नहीं दीजिए, थोड़ा बच के। इन अलग अलग तरह के स्कैम्स होते हैं यहाँ पर, तो इन स्कैम्स से बच के आप आए, और अपने कोई लोकल जो वहाँ रहने वाला है उसे ही पकड़ लें, या फिर जिस ड्राइवर के साथ गाड़ी वाले के साथ आप आए उन्हीं को ले जाएं, वही आपको दिखा देंगे। दुकानदार से ले लें सपोर्ट और अलग। हाँ, पूछ पूछ कर चले जाएं, कोई वो नहीं है, बट गाइड ना ही ले तो अच्छा है, वो आपको कुछ ना कुछ करके फंसा ही देगा, आप बिल्कुल नए होंगे तो। भवन है कनक भवन के जस्ट बगल है पंडित जी भोजनालय, यार अच्छा खाना और अच्छे लोग, तो अगर आए, हाँ बिल्कुल विश्वास वाले, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्कैमर्स मिलेंगे, बट आपको अगर स्कैम से बचना है, कुछ अच्छा खाना है, तो आप यहाँ करके आराम से खा सकते हैं। हमें लगा स्टार्टिंग में स्कैम हो सकता है, बट हुआ नहीं, काफ़ी अच्छे लोग थे, अच्छे से हमें ट्रीट किया। खाना पीना है, और आप कनक भवन के मतलब राम मंदिर आए हैं घूमने के लिए, फिर कनक मंदिर तो आप आएंगे ऑब्वियसली, तो जस्ट बगल में कुछ खाना होगा तो यहाँ पर आ जाइएगा, बेस्ट है, खाना भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है, और उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, और रीजनेबल प्राइस में, मज़ा आ जाएगा आपको। तो अगर आप अयोध्या आ रहे हैं तो सुबह सुबह आ जाएं, क्योंकि फिर उसके बाद दोपहर तक इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है कि आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। तो जो भी आ रहा है सुबह 7-8 बजे निकल लो, आराम से दर्शन कर लो। तो सारे दर्शन हो गए थे, उसके बाद हम आ रहे थे, रास्ते में चाय पीने का मन किया, सर में बहुत दर्द हो रहा था, काफ़ी देर से हम बैठे हुए थे ऑटो में, आ रहे थे, आते आते भाई ने कहा यहाँ पर काफ़ी अच्छी कुल्लड़ वाली चाय मिलती है, और हमने क्या लिया, हाँ कुल्लड़ वाली चाय तो मंगाई है, साथ में ये कचौड़ी मंगाई है, यहाँ की देसी कचौड़ी, पनीर चंक्स भी पड़े हुए हैं, और प्याज वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ है, साथ में चाय लेंगे। तो हम इधर आए थे, रास्ते में आते हुए अयोध्या से एक अमृत भोग स्वीट्स पड़ा, कचौड़ी भाई की बहुत अच्छी लग रही थी, तो हमने देख करके कहा खाना है, तो खाने के लिए आते भैया मिले, तो इनकी कचौड़ी खाई हमने, बहुत अच्छी कचौड़ी लगी, जलेबी वगैरह भी मिलती हैं, और इन भैया को मैंने अपना चैनल भी सब्सक्राइब करवाया है, आप इनको करवा देना, है ना, तो ऐसे देखते रहो, चलो ठीक है भाई, भाई कचौड़ी बहुत अच्छी है, आओ तो ज़रूर ट्राई करना, ठीक है भैया चलते हैं, है ना। फाइनली अयोध्या से घर वापस आ गए, और दूल्हे साहब यहाँ बैठे हुए, दूल्हे साहब चेन दिख रही होगी आपको, चास्तला शादी हुई है भाई की, अभी अभी नहीं नहीं भाई, कैसा फील हो रहा है, शादी हो गई देख ले, गुड दिख रही है भाई की, क्या बात है। तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं, और ये मौसम पीछे, मौसम कह रहे मेरे को भी दिखा दे, अच्छा हाँ मौसम की बेगूटी देख लो।
तो इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, लाइक कर दो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा ब्लॉग, और भाई की शादी का ब्लॉग जो दिखा वो कैसा लगा, और कैसी लगी मेरी वीडियोस, और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा, और जो आपको स्कैमर्स के बारे में बताया जिसमें नितिन नाचा, हाँ स्कैमर्स के बारे में बताया वो याद रखना, कभी भी इस स्कैम के बारे में स्कैम में मत फंसना। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं, बाय बाय। तो यार इसी के साथ ये पूरा अयोध्या का व्लॉग ख़त्म होता है यहाँ पर, और मेरे को बताना आपको कैसा लगा पूरा अयोध्या का व्लॉग। मैंने बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, बहुत लंबा बना था तो मैंने पार्ट्स में डाल दिया। भाई का शादी का व्लॉग कैसा लगा, और ये पूरा अयोध्या की सीरीज़ कैसी लगी। और यार आपको मैं जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो मुझे कुछ चीज़ों के बारे में पता चला, मेरी नानी ने बताया, उनके वहाँ पर एक आदमी हैं वो वहाँ रहते हैं, उनके कुछ रिलेटिव लगते हैं, तो उनके पैर में प्रॉब्लम है, मतलब उनका लेग, तो मुझे पता चला उनके बारे में, उनके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नस दब गई है जिसके कारण वो चल फिर नहीं पाते। पहले वो जॉब करते थे अपने घर में, अकेले कमाने वाले थे, और अभी उनका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तो वो काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में देख रहे थे, तो उनका जो खर्चा बताया बहुत ही ज़्यादा बताया, 5-6 लाख का खर्चा बताया उनको कि इतना होगा। तो वो कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल देख रहे हैं जो जहाँ पर उनका फ्री में इलाज हो सके, या फिर कोई अच्छा इलाज हो सके कि वो कम से कम अपनी जॉब तो कर पाए एटलीस्ट। तो मैं उनका आधार कार्ड, उनकी फ़ोटो आपको दिखा दूंगा यहाँ स्क्रीन पे, और अगर आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं एक बार प्लीज़ उनसे कॉल करके कॉन्टैक्ट कर लें। और यार अगर कोई किसी की जान पहचान में कोई अच्छा हॉस्पिटल हो जो अच्छे से इलाज कर सके कम बजट में, तो वो भी आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ आप यहाँ करा सकते हो। उसके अलावा यार आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, यहाँ पर भी सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को ऐसे आगे बढ़ाओ। तो इसी के साथ पूरी वीडियो एंड हो चुकी है अयोध्या की, और हम अब आगे कुछ और लाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से फूड ब्लॉग्स लाएंगे, और चलो इसके बाद फिर देखते हैं क्या आता है। तो बाय बाय, टेक केयर।